हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं अभी खेत में हूँ और हम पौधों को पानी दे रहे हैं। मेरी भाषा में बोलूँ तो हमारे आज पानी की बारी है और हम पौधों को पानी दे रहे हैं। फिलहाल ये खाड़ा है जिसको मैंने आपको बताया, इसमें पानी चल रहा है। आज आपको मैं दिखाऊँगा किस तरह से खेतों में पानी लगता है, क्या सिस्टम रहता है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो गाइस, अभी अभी हम पानी तोड़ कर लाए हैं, मतलब दूसरे खेत से हमारे खेत की तरफ पानी को लेके आए हैं और अभी फ़िलहाल मैं पानी में चल रहा हूँ। आज पानी हम कपास को देने वाले हैं, ये जो कपास है उसको देंगे पानी। इस साइड मूंग में तो नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें तो अभी बारिश हुई थी और पानी काफ़ी टाइम बाद आया है, और तो फिर देना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि एक्चुअल में क्या है, नहर नहीं आ रही थी, पानी कम था, इसलिए अभी कपास को देना ज़रूरी है। इसको देंगे, ये देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा छोटा छोटा ही था, लेकिन अब भी तो काफ़ी बड़ा हो गया है भाई। मैं पहुँच ही गया धीरे धीरे नज़दीक, मज़ा खूब आ रहा है अंदर चलने में। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ आज ब्लॉग के चक्कर में। गाइस, दो क्यारियों में खुला छोड़ दिया है पानी और अभी ये 5-7 मिनट में दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में उसको करते करते वहाँ से आया हूँ मैं अभी चल के, और वहाँ वापस चला जाऊँगा। फ़िलहाल यहाँ पे तो हैं और मैं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक बंदा था, वो हमारा चला गया है, तो मुझे जाना पड़ेगा वहाँ, बस जाके खड़ना ही है। अपनी आगे पोजीशन ले ली है मैंने, मैं तो यहाँ बैठा रहूँगा, बस देखता रहूँगा कहीं पानी टूट ना जाए। और ये जो आ रहे हैं ना, ये एक पौधा होता है जो बड़ी नहर होती है ना उसमें गिर जाता है, केली 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 करके बोलते हैं, केली केली नहीं केली करके बोलते हैं, वो है ये। इसमें बहुत नारियल भी बहुत आते हैं पानी के अंदर, देखो ये आ रहे हैं, टूट टूट के उसमें गिर जाते हैं और उसके बाद में खेत में आते रहते हैं ये। वैसे ज़्यादा साफ़ नहीं है पानी, आपको मैं दिखाऊं, ये देखो पीने के लायक तो नहीं है, अगर पीना चाहे तो नहीं पी सकते, बट ठंडा बहुत है। हाँ, मज़े आ रहे हैं भाई। इसके बारे में मैंने बताया था, आपको याद होगा, अभी जैसे ये पानी आ रहा है और ये यहाँ आ गया है, अभी ये इस पर ढक्कन लगा हुआ है और ये इसको रोक के रखा है पानी को, ये आगे नहीं जाने दे रहा है पानी को, इसको रोक के रखा है। जब हमने इस साइड में पानी लगाना होगा, इस साइड में, तो फिर क्या करेंगे, इस ढक्कन को हटा देंगे और यहाँ एक मेड़ लगा देंगे, मतलब आम भाषा में बोलूँ तो बट बांध देंगे मिट्टी की, लेके उसको एक जगह इकट्ठा करके उसकी एक छोटी सी दीवार सी बना देंगे जिससे पानी आगे ना जा कर सीधा ही ऐसे होके और इस साइड चला जाएगा। और अभी पानी लग रहा है उस साइड, वहाँ पर आपको पता होगा वहाँ पर लग रहा है पानी, और मैं बैठा था वहाँ, और अभी वहाँ पे आ गए हैं बंदे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं ऐसे गेड़िए निकालता रहूँगा। से आया हूँ इतनी देर में, तीन क्यारियाँ लग चुकी, एक वो उस साइड वाली पूरी लग गई है, ये आधी, ये भी आधी, और इसमें छोड़ दी है पानी, अभी ये भी कंप्लीट हो जाएंगी। इस पानी लगाने से पहले ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना वाइट वाइट से, ये है यूरिया खाद, ये डालते हैं, ये होते हैं बुगले जो कि पानी लगाते टाइम खेतों में आ जाते हैं, क्योंकि खेत या जो पानी आता है इसके अंदर थोड़े बहुत जानवर होते हैं उनको खाने के लिए, ये बस यहाँ से उठ के दूसरे खेत में दूसरे से तीसरे जैसे करते रहते हैं। मैं तो भाई इधर से उधर ही चक्कर लगा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ भाग के, कभी उधर जा रहा हूँ, बस ऐसे ही चक्कर लगाना पड़ता है भाई, कि तू भाग के वहाँ जा, वहाँ जा, वहाँ जा, भाग के जा, भाग के, ऐसे करके भाई हालत ख़राब हो गई मेरी तो। वैसे अभी एक घंटा हो गया लगते हुए, 50 मिनट ही रहे हैं बाकी, पता नहीं, वैसे भी जाके वहाँ तो बैठूँगा, 5 में नहीं बैठूंगा, उससे पहले आवाज़ आ जाएगी भाग के, आप भाग के। ओ बल्ले, तो
अभी इसमें जवार में लगाएंगे पानी। ये सनसेट और इस हरियाली को दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक बढ़िया सी फ़ोटो ली है, जाके देख लो इंस्टाग्राम पे। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, आइडियाँ चल रही होगी। तो गाइस पानी देख लो पूरा वहाँ तक चल रहा था पहले ये खाड़ा, और अभी देखो कितना नीचे हो गया है। पानी पीछे काट लिया है जिनको, जिनकी अभी बारी थी उन्होंने काट ली है। अभी तो ये पीछे बचा हुआ पानी आ रहा है, इससे ये लग जाना चाहिए, लगभग हो गया है कंप्लीट, वहाँ तक लग गया है। देख लो इस चेहरे को, इनकी वजह से मुझे बार बार इधर आना पड़ रहा था। ये कुछ कर ही नहीं रहे थे, बस ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे इधर से उधर, को परेशान करने में लगे हुए थे। मुझे बार बार इनकी वजह से इधर आना पड़ रहा था। अभी मैं यहाँ आया हूँ और ये खुलवाया इनसे, थोड़ा काम ढंग से नहीं करते हैं ये। पानी पूरा लग चुका है भाई, अभी अपना बोरी बिस्तरा समेट के हम घर की ओर रवाना कर रहे हैं।